इसी बीच बिहार महागठबंधन की सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद जेडीयू में कलह मच गई है। पार्टी की रुपौली विधायक बीमा भारती ने अपनी ही पार्टी के अंदर बगावत कर दी है और विधायक बीमा भारती ने मंत्री लेसी सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। बीमा भारती का आरोप है कि खाद्य और उपभोक्ता मामलों की मंत्री लेसी सिंह जबरन वसूली करती है, हत्या में शामिल है और बीमा भारती ने दागी ट्रैक रिकॉर्ड के बाद भी लेसी सिंह को तीसरी बार मंत्री बनाने पर सवाल खड़े किए। बिहार में मंत्रिमंडल में शामिल चेहरों पर सिर्फ विरोधी दल के नेता ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के विधायक भी सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ हैं बीमा भारती जो जेडीयू की विधायक हैं। किस चेहरे पर आपको आपत्ति है जिनका चयन हुआ है मंत्रिमंडल में? वो लेसी सिंह पर आपत्ति है और किसी पर नहीं है। क्या क्यों आपत्ति कर रही हैं आप? आपत्ति इसलिए कर रहे हैं कि उस तरह की दागी है, उस पर बदनामी जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बदनामी हो रहा है, पार्टी का बदनामी हो रहा है, तरह तरह का लोग सवाल उठा रहे हैं कि किस आधार पर उनको मंत्री बनाया जा रहा है, जबकि उस पर कई मर्डर का आरोप लगा है। उस पर कई बार जो है कि धरना प्रदर्शन हुआ, जो पूर्णिया में धरना प्रदर्शन हुआ, फिर यहाँ पटना में तेजस्वी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि हत्या का आरोप रिंटू का हत्या हुआ था, उसमें जो है कि उसका वाइफ जाकर के यहाँ पटना में आकर के रो रो करके गुहार मांगी, लेकिन कहीं नहीं उसका मिला इंसाफ। फिर विधानसभा में भी उसका सवाल उठा पूरा गुंजा सदन में, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। बेनी सिंह का हत्या हुआ, उसमें भी आरोपी है, वो रिंटू का आरोपी है, और जो है कि और हत्या हुआ उसमें कई आरोपी है। हत्या में हम आपको जो है ना सब निकाल के दे देंगे कितना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।